आप बोले मेरी चाबियां नहीं लग रहे, समझ के पत्र मांग रहा है। खाब नहीं होते पाकी ताकत है वो आगे के बोले। आप बोले कि मैं नमाज होने के बाद खदमों पे गिर जाऊंगा, गलतियों की माफी चाहूंगा। अब नमाज होने के बाद खदमों पे गिर के हजरत माफ कर दो, अब तक मेरा मैं आपका मुकाम पर दबा नहीं समझा, माफी चाहने लगे तो अरे माफी तो इन्हीं के खानदान से दुनिया को मिली है माफ करने का दर, इन्हीं के दामाधाम के दरबार से तो खैर पूरे खयामत तक के उम्मत को दर्द मिला है। अब उधर उधर के काम लो तो खानदान का जायदाद कैसे नहीं माफ करेगा। कहा माफ है, माफी कर दिए, जैसे माफ होना था खुश हो गए, चलो माफ हो गया। अब दिल में आया मैं कभी बेदबी नहीं करूंगा, आखिर सुनता हूँ लोग याद करो। अब क्या करो, तिजारत को जाना था, तिजारत को जाना था तो अब वो चाबियां नहीं थे, बनाए बनाने वाले को लाए, चाबियां बनाए, जरूरत का सामान लेकर काफिले के साथ चले गए। घोड़ों को सफर होता था, चले गए रस्तों में खैर बड़ा लूटम लाठी होती बोल के पूरे लोग निकले। अब 16 दिन चलते रहे, वाशा को बड़ा हो गया, 16 दिन चलते रहे चलते रहे तो वो जंगल आया जिसमें बहुत से पाके कलम है पहुंचा के। वो जंगल आया तो अपने साथियों से बड़े ठहरों में आई नहर देखा है, क्यों बहुत से पाक में जो चादर डालते ये जंगल में पहुंचा था, पूरे झाड़िया हुई थे इलाका हुई है, वह तो नहर मौजूद था, कोशे निकाले खाए पिए पानी पिए। आप बोल रहे क्या